नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल जीवन कोश में। खूबसूरत त्वचा किसको पसंद नहीं होती, फिर चाहे वो महिला हो या मर्द। आजकल लोग नेचुरल और हर्बल चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऐसी ही एक नेचुरल चीज है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को अगर दुनिया का सबसे पुराना ब्यूटी प्रोडक्ट कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन ड्राई स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी के इस्तेमाल को लेकर ज्यादातर लोगों को डाउट रहता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुल्तानी मिट्टी के स्किन के लिए फायदे, इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका और ये भी जानेंगे कि ड्राई स्किन वालों को मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। आमतौर पर मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल ऑयली स्किन के लिए किया जाता है। दरअसल इसमें ऑयल एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज होती है जो तेलीय त्वचा के अत्यधिक तेल को सोखने में सहायक हो सकती है। वहीं रूखी त्वचा के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल लाभकारी हो सकता है, बशर्ते इसका उपयोग दूसरी सामग्रियों के साथ मिलाकर किया जाए। मुल्तानी मिट्टी त्वचा को गहराई से साफ करने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार कर सकती है। मुल्तानी मिट्टी कील मुहासों की समस्या और झाइयों को कम कर रंगत को निखार देती है। मुल्तानी मिट्टी में सूदिंग इफेक्ट होता है जो स्किन से सूजन और पफिनेस को दूर करने में मदद करता है। अब आपको बताते हैं कि मुल्तानी मिट्टी को ड्राई स्किन वाले कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में एक चम्मच शहद और आवश्यकता अनुसार पानी या गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पे लगाएं। पैक सूखने के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें और मॉइस्चराइजर लगा लें। हफ्ते में एक से दो बार इस फेस पैक को इस्तेमाल करें। शहद में त्वचा को मुलायम व नमी प्रदान करने वाले गुण मौजूद होते हैं। ये आपकी ड्राई स्किन को नमी देगा और त्वचा को हाइड्रेट करने में मदद करेगा। एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में आधा छोटा चम्मच चंदन पाउडर, एक चम्मच शहद और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। अब चेहरे पर ये फेस पैक लगाएं। सूखने के बाद नॉर्मल पानी से धो लें। मुल्तानी मिट्टी में अगर चंदन मिलाया जाए तो इसके गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। चंदन में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो त्वचा संबंधित कई परेशानियां जैसे मुहासे, दाग धब्बे आदि से राहत देने में मदद करती है। इसके अलावा गुलाब जल त्वचा के पीएच को बैलेंस कर रखता है। तो ये पैक ड्राई स्किन पर होने वाले दाग धब्बों को दूर करने में असरदार साबित हो सकता है। चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें और तौलिए से पोंछ लें। फिर एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में एक चम्मच दही मिलाकर फेस पैक बनाएं और चेहरे पर लगाएं। जब फेस पैक सूख जाए तो हथेलियों में पानी लगाकर हल्का मसाज करें और चेहरे को साफ पानी से धो लें। इस फेस पैक को हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं। रूखी त्वचा के लिए दही युक्त मुल्तानी मिट्टी फेस पैक त्वचा को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ निखार और चमक भी देता है। एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच शहद और गुलाब जल मिलाकर पैक तैयार करें और चेहरे पर लगा लें। इस फेस पैक को हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं। चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने के लाभ तो आपको बता ही चुके हैं और इसमें हल्दी को शामिल करने के फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। हल्दी स्किन को ग्लो के साथ हानिकारक कीटाणुओं से स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर में दो चम्मच पपीते का पल्प और एक चम्मच शहद मिलाएं और इसे पैक बना लें और पूरे चेहरे पर लगाएं। पपीता त्वचा को नमी प्रदान करने के साथ पिगमेंटेशन को कम करने में भी मदद करता है। साथ ही इसका इस्तेमाल करने से झुर्रियों से बचाव और आंखों के काले घेरे को कम किया जा सकता है। टैन और मुहासों में राहत दिलाने में भी ये अहम भूमिका निभाता है। पपीते में पपाइन एंजाइम्स मौजूद होता है जो दाग धब्बों को कम करता है। इस प्रकार मुल्तानी मिट्टी के साथ शहद और पपीते का फेस पैक ड्राई स्किन को डिटॉक्स करने के लिए उपयोगी है। एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी के पाउडर में आधा आलू का रस डालें और आधा चम्मच शहद मिलाएं। गुलाब जल डालकर पेस्ट तैयार करें और पूरे चेहरे पर और गर्दन पर लगाएं। फेस पैक के सूखने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। आलू में एंटी एजिंग प्रभाव होते हैं जो झुर्रियों से बचाव के साथ त्वचा को चमकदार बनाते हैं। साथ ही आलू में विटामिन सी स्टार्च के साथ एल्काइन गुण होते हैं जो त्वचा को जवान रखने में मदद करता है और चेहरे से टैन को भी दूर करता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी ही कई अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।